हेलो नमस्ते सलाम जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है सलमान और आज हम IGM इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के एक इनिशिएटिव के तौर पर मन्नाबेदी कवर्धा शहर से 10 किलोमीटर दूर कुछ युवा जो मोहल्ला क्लास ले रहे हैं उनकी क्लास को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, वहां से बच्चों से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एजुकेशन इज़ अ पावरफुल वेपन दैट कैन यू यूज टू चेंज द वर्ल्ड, और इस कोरोना काल में एजुकेशन ही है जिस वेपन पर अभी जंग लग रहा है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि ये पेंडेमिक में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो कुछ युवा मिलकर मन्नाबेदी शासकीय प्राथमिक शाला मन्नाबेदी के स्कूल में कुछ युवा मिलकर उस गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन बच्चों से मिलेंगे आज, मैं भी एक्साइटेड हूँ और मेरी टीम स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा जो कैमरे में है तो प्लीज़ आप लोग भी आ जाए और इस कैमरे के माध्यम से हम सब एक इनिशिएटिव करें और आगे बढ़े। सो ये हमारे संतोष मंडल है जो कि कैमरा डिजीवर्ड में आप देखते ही होंगे, और ये रवि पाल है जिनकी एक खुद की फोटोग्राफी का काम है। तो आज हम टीम मिलकर आज इस मन्नाबेदी स्कूल को एक्सप्लोर करेंगे और इस इनिशिएटिव में आप सब चाहेंगे कि आप भी अपने आसपास के गांव के बच्चों को प्लीज़ पढ़ाएं और एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो आइए देखते हैं हमारी इस ट्रिप को। हम लोग स्कूल बिल्डिंग के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सरोधर जो डैम है उसके पहाड़ी के पास वाला स्कूल है जिसको मन्नाबेदी शासकीय प्राथमिक शाला मन्नाबेदी स्कूल के जस्ट सामने में है। अब देखते हैं एंट्री करके क्या है। तो जैसे कि हम लोग अभी शासकीय प्राथमिक मन्नाबेदी स्कूल में हैं और यहाँ पे क्लास टीचर्स ले रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी उनसे बात करते हैं टीचर्स की कि कैसे उनका इस मोहल्ला क्लास में एक्सपीरियंस है। तो इस मन्नाबेदी में इंडियन कमेटी रिफॉर्म के समिति के माध्यम से बच्चों को उसके सर्वांगीण विकास एवं उसके भविष्य को देखते हुए यहाँ के ग्रेजुएट बच्चे के माध्यम से बच्चों को शिक्षित एवं क्योंकि शिक्षा COVID-19 के चलते बहुत प्रभावित हुआ है, तो बच्चे जो हैं शिक्षा से वंचित ना हो इसके चलते एक समिति गठित किया गया है अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। गांव के जो युवा है जो बारी पास और जो ग्रेजुएट है वो सब मिलकर एक टीम बना है ताकि बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखे। ऐसा है कि अभी वर्तमान में COVID-19 के चलते स्कूल नहीं खुला है, शासन प्रशासन ऑनलाइन सुविधा दे रही है, लेकिन गरीब बच्चे गांव के जो है उनको मोबाइल ना होने के कारण उन तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। आज के हमारे इस मोहल्ला क्लास में हमारे सर हैं, तो आज वो हमारे गेस्ट टीचर के रूप में हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं। पहले आप जितने लोग यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, तो आप सब इसके बधाई के पात्र हो। और आज मैं भी कुछ छोटा सा कोशिश करूँगा आज आपके बच्चों से रूबरू होके छोटा सा क्लास लेने के लिए। बस इतना ही लिखना है, बना है। इंग्लिश में ए लिखेंगे आप सीधा, आस अनार के बाद इंग्लिश में ए लिखेंगे।
जल्दी ठीक है। अब आप दोनों को जोड़ेंगे अ से अनार को साइड में, ए फॉर एप्पल को ठीक। सो अ से अनार होता है और ए फॉर एप्पल होता है, तो दोनों में अंतर क्या है कोई बताएगा बच्चा? भगवान अनार और सेब में अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या पूछा मैं? अ में और ए में अंतर क्या है? वेरी गुड, एक इंग्लिश में एक हिंदी में।
पंचायत के आश्रित ग्राम मन्नाबेदी में जो युवा दो चार लोग हैं अपने बढ़िया पढ़ाई लिखाई में भी अपने साथ साथ में रोजगार के साथ साथ में आगे के भविष्य के भी देखते हुए अपना गांव का भी विकास सोच रहे हैं और बच्चों के भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लोग। और बच्चों को जो छोटा छोटा बच्चा है चौथी पाँचवीं छठवीं के चौथी पाँचवीं वाला जो है छोटा छोटा बच्चा आदिवासी बाहुल्य है अपना, और साथ ही साथ उन लोगों का समय निकाल कर अपना बहुल्य समय निकाल कर <laughs> <laughs>
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आप सब जितने भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये उन दोनों की बात है जब मैं दिल्ली से अपने गांव आया था, दिल्ली से गांव होली में आया था। उस टाइम होली के बाद कुछ दिनों के बाद कोरोना की वजह से सब जगह लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज वगैरह सब चीज़ बंद हो गया, जिस कारण से फिर बच्चों की पढ़ाई और हमारे कॉलेज वॉलेज सब बंद हो गया। फिर मैं यहीं रुक गया था तो देखा कि गाँव में सब बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, बस ज़्यादा चांसेस ये थे कि बिगड़ने के चांसेस थे। तो हम दो तीन लोग मिलकर बात किया सब लोगों ने कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए करके। फिर धीरे धीरे हम लोग ने जितना भी पढ़े लिखे युवक थे हमारे गांव के उनसे मिलकर बात की, उन तक पहुंचे, फिर सभी ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज आप सबके वजह से आज यहाँ पे बच्चे इकट्ठित हैं और हम सब भी यहाँ उपस्थित हैं। अगर ऐसे ही आने वाले समय में हर गाँव हर विलेज के लोग भी करें तो आने वाले भविष्य में बच्चे गाँव से ज़्यादा आगे जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये जो कमेटी है इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी वो यहीं तक सीमित ना रहे, ये देश के हर कोने कोने तक जाए ताकि सब लोग जागरूक हों और इस तरह के काम में आगे आएँ। कम से कम एक ब्रांड मिलना चाहिए, एक नाम मिलना चाहिए कि यार हम लोग ऐसा करें तो क्यों करें। तो उसमें हो सकता है हमारी कमेटी थोड़ा बहुत मदद कर सकती है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ज़्यादा लेवल में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने मोहल्ले का या अपने आसपास जो 8-10 बच्चे होंगे उनको कम से कम पढ़ाने की कोशिश करें ताकि जो ऑनलाइन पढ़ाई ना कर पा रहे हैं उन लोग उसका लाभ ले सकें। और ये ऑनलाइन मतलब कोरोना के चक्कर में उन लोग की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। धन्यवाद। युवा साथी ने एक सोसाइटी बना के अपने गाँव के लोगों को बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किए हैं। आप चाहेंगे कि आप जिस तरह से इनकी बातें हैं आप समझें, ये भी एक युवा है और आज युवा किस रास्ते में जा रहा है, कोई नशा कर रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, वो युवा अगर चाहें तो अपने गांव के आसपास के बच्चों को लेके उनके एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। और ये वीडियो का एक ही मकसद था और मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सारे युवा जो एक फर्म की तरह काम कर रहे हैं और बिना निस्वार्थ भाव से इन अपने आसपास के गाँव के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ अपने आसपास इसी तरह से काम करें क्योंकि आप सब्जी मार्केट हो या खेती बाड़ी कहीं भी जाएं बच्चे बाल मजदूरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि घर पे लॉकडाउन है तो बच्चों को काम सिखाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और यही चीज़ हमारे एक भारत जिस चीज़ को छोड़ चुका था वहाँ वापस फिर से आ रहा है, बाल मजदूरी।
तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि बच्चों के लिए प्लीज़ एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते रहें। आप सबका बहुत बहुत बधाई के पात्र हो और बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बहुत ही बढ़िया हैं और आप लोग, बहुत मज़ा आया आज आप लोग के साथ। उम्मीद है आपको मजा आया। तो फिर से आवाज़ दो जोश, आवाज़ दो जोश, आई से आवाज़ दो जोश। थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से बने रहे, बरकरार रहे और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशल थैंक्स करेंगे IGM इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर की, जो ये इनिशिएटिव लिए इस तरह से कार्यक्रम करने के लिए। थैंक यू सो मच एक बार सभी, थैंक यू एक बार। चलो बाय 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 बाय, चलो ठीक बाय बस।